First of all, ma'am, a big, big congratulations. The teaser are getting a huge response from the audiences. Yeah. Thank you. Yes. Thank you so much. First of all, what kind of appreciation or comments you're getting from your friends or fraternity from our industry? So, I think मुझे बहुत सारे personal messages आए हैं on WhatsApp. WhatsApp का ज़माना है. So everybody has told me it's very, very interesting. Love है, lust है, mystery है, और ये सबको पसंद है. I think the response has been great. You know, our how many like 45,000 we have crossed on YouTube itself, and I think Hangama we about 80,000 separate. So you know, it's about in three four days. Yeah, three four days में इतना organic बहुत ही rarely होता है. Yes, and I think even in general, हमारे friends and everybody we know, our co-actors and all, उनके तरफ से जो feedback आ रहा है has been really, really good. सब लोग मुझे पूछ भी रहे, screening कब है, Monday है, Sunday है, मैंने कहा Monday रुक जाओ यार, थोड़ा और time है. Short film के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, what is all about? तो अभी कहानी तो मैं आपको पूरी नहीं बताऊंगी. One liner ये है कि एक wife है बहुत sweet सी मालती, एक husband है बहुत sweet से अर्जुन, उनकी girlfriend और भी sweet सी, spicy सी. फ्लोरा. तो एक दिन वो वाइफ घर आ जाती हैं और उस टाइम पे गर्लफ्रेंड घर में होती हैं. उसके बाद क्या होता है, तो कभी आप सिचुएशन में रहे हैं ऐसे तो आपको शायद समझ आएगा. बहुत लोग समझ सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है. तो दैट होल कन्फ्यूजन कि एक आदमी की क्या हालत होती है सिचुएशन और क्या होगा इज द स्टोरी. नहीं, इट्स नॉट माय हेडेक एनी मोर, इट्स द मैन्स हेडेक. सो आई थिंक गर्लफ्रेंड तो फिर भी अपने घर जा सकती है. वो बीवी और उस हस्बैंड की क्या हालत होने वाली है उस रात को, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लॉट होता है. बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे इससे, शायद आइडियाज ही मिलेंगे इससे ना शायद. ओके, टीजर के अलावा साइना मैम, आपके और सुधांशु की जो केमिस्ट्री है वो बहुत टॉप ऑफ द टाउन है, टॉप, तो उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहिए. थोड़ा ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखो, सजीली को सिर्फ गंदी बातें ही लोग पूछते हैं, ऐसा क्यों? आई थिंक शी इज गॉर्जियस और एनीथिंग ब्यूटीफुल पीपल व्हेन दे डू एनीथिंग इट लुक्स नाइस यार. खूबसूरत लोग खूबसूरत चीज़ें करते हुए अच्छे लगते हैं. बट मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, लोगों को हमेशा हमको देख के ये लगता है कि यू नो ये लोग कितना इंजॉय कर रहे होंगे, इनके लिए कितना ईजी होगा एंड ऑल दैट, बट ट्रस्ट मी. एंड सबसे ज़्यादा लोगों को लगता है कि लड़कों के लिए शायद बहुत ईजी होता है, लड़कियाँ शायद ज़्यादा यू नो पीपल टेक केयर ऑफ द गर्ल्स, आर यू ओके, यू आर ओके, बट इन आर फिल्म एंड ऑल्सो स्पेशली सुधांशु, तो मतलब ही वॉज सो शाय, ही वॉज सो अनकम्फर्टेबल. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वॉट पीपल डोंट नो, दिस वॉज द फर्स्ट शॉट ऑफ द डे. इमेजिन टू पीपल कमिंग 7 AM शिफ्ट, मेकअप होता है तो अभी ये करना है स्ट्रेट, सो इट एंड कैमरा इज योर, इट्स अ प्रोफेशनल एनवायरमेंट, इट्स डिफिकल्ट आई थिंक, एंड टू गेट दैट नेचुरल एलिमेंट, वो लगना भी चाहिए ऑथेंटिक ऑन कैमरा. सो कुडोज टू माई डायरेक्ट एक्टर, बोथ द एक्टर्स, आई थिंक दे वर सपोर्टिव और उन्होंने उतने टेक्स दिए जितने मैंने मांगे और बहुत अच्छा लग रहा है. और क्या चाहते हैं, केमिस्ट्री अच्छी दिखनी चाहिए तभी वो लव फील होता है ना. कुडोज ऑल्सो टू आवर डायरेक्टर जो हर शॉट के बाद नहीं यार मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे मजा चाहिए था. ये ऑडियंस को मजा चाहिए, isn't it? Okay, Flora, man, no doubt, I'll look, you look very beautiful and also people say you are very hot. So what's your thought whenever you choose an any role? Because you most of all your roles are very bold. ऐसा क्यों लग रहा है लोगों को? ऐसा नहीं है. Actually, मेरे ख्याल से सिर्फ आप ही ने वो bold वाले देखे हैं, बाकी नहीं देखना आपने choose नहीं किया होगा. Most of all. हर बार हमें कुछ ऐसा करते हैं जो हिट हो जाता है, लोगों की वो पुराना काम भूल जाते हैं. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट जॉब जहाँ पे वो इमेज एक भूल सकें. बट एज एन एक्टर आई थिंक मेरा कोशिश ये है कि 10 years डाउन द लाइन जब मैं अपना करियर देखूँ तो मैं हर एक वो रोल जो मैंने नहीं ट्राई किया है, जैसे गर्लफ्रेंड्स पार्ट मैंने नहीं ट्राई किया था, स्पेशली ये वाला जो स्पेस है इनफिडेलिटी, हस्बैंड गर्लफ्रेंड एक ही घर में, या इट्स अ न्यू स्टोरी. सो यू नो फ्लोरा का एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है फिल्म में, सो यू नो लेट्स नॉट लिमिट हर टू जस्ट दी बोल्ड सीन्स और दैट, बिकॉज यू नो इट्स वेरी समवेयर नॉट फेयर टू एन एक्टर. आई फील कि आप एक्टर्स को सिर्फ कुछ सीन्स में अगर एक्सप्लेन करें वो एक्टर्स एक्टिंग कर रहे हैं, सो यू नो आई थिंक मीडिया शुड अंडरस्टैंड दिस और उनको एज एक्टर्स वो चीज़ समझें तो बहुत अच्छा रहेगा ना. ओके, लक्ष्मी, शॉर्ट फिल्म की बात करें, सो डू यू थिंक क्या शॉर्ट फिल्म आने वाले दिनों में फुल फीचर फिल्म को टेक ओवर कर सके? बिकॉज शॉर्ट फिल्म एक टेक ओवर तो शायद नहीं करेगी, बिकॉज शॉर्ट फिल्म एक 5-10 मिनट में फुल स्टोरी बता देती है, बहुत चलो. सो एग्जैक्टली 2 घंटे ले लेती, लाइक यू सेड शॉर्ट फिल्म 5 मिनट, ये 15 से 16 मिनट की फिल्म है,
बहुत मुश्किल फीचर फिल्म से कभी नहीं जाएंगे, बिकॉज जिनको बिग थिएटर में फिल्म देखनी है वो ऑडियंस, मैं भी उनमें से एक हूँ, वो एन्जॉयमेंट अलग ही होती है. डेफिनेटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सक्सेसफुल हुए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन हो, कितने और खुले हैं, वूट यू नो या सोनी लिव, सो मेनी प्लेटफॉर्म्स ओपनड अप, हंगामा प्ले. बट देन द थिंग इज नाउ, अगर मैं रात को 2 बजे उठती हूँ और मैं थोड़ा बोर फील कर रही हूँ इन जनरल, राइट, अगर मुझे कुछ देखना है और मेरा मूड करता है, आई एम जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम प्लेस, मेरे पास ऑप्शंस बहुत कुछ देखने के लिए. एट द सेम टाइम अगर वो चीज़ बोरिंग है, मैं उसको 5 सेकंड में बंद कर दूंगी. तो दैट कंटेंट हैज़ टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड होल्ड यू फॉर द एंटायर टाइम, बिकॉज रिमोट शायद हम थोड़ा लेट चेंज करते हैं, थोड़ा दूर होता है, फ़ोन तो अपने हाथ में होता है, तो ऐसे टक करके हम लोग चेंज कर देते हैं. तो द कंटेंट हैज़ टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो इट्स अ चैलेंज फॉर एवरीबॉडी कि हर कंटेंट डिफरेंट भी हो, ओरिजिनल भी हो और इंटरेस्टिंग भी हो. ओके, लास्ट टू क्वेश्चंस, व्हाट्स योर परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ लव अकॉर्डिंग टू यू? वंडरफुल. We both are single, so you know, I don't know. I have had a lot of heartbreaks. So, mere liye pyar har relationship mein hai. Every relationship is love. If there is, you know, 100% faith and commitment to it, whether with the father, with parents, with family, or with your dog, or with your just, you know, with your home, affection of 100% faith is something I call love. For me, I think love is friendship. क्योंकि एक जो बोलते हैं ना, फाउंडेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप विद एनी बॉडी स्टार्ट्स विद दैट ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप. सो मेरे ख्याल से वो अगर आपका कोर सही जगह पे है, फाउंडेशन सही है, तो बिल्डिंग बहुत अच्छी और सख्त खड़ी रहेगी. ओके, फ्लोरा मैम, कैन वी से क्या करण जो ने सही कहा, प्यार दोस्ती है? हाँ, मैंने भी वही कहा अभी. ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे टू योर फैंस, फाइनली योर शॉर्ट मूवी रिलीज गई? सो टू ऑल द पीपल आर वॉचिंग दिस शो, 16th of April, we are releasing on Hangama Play and YouTube. Please, please watch Season with Love. Teaser is already out. So, teaser dekhiye, aapko maza aayega. Uske baad film bhi dekhiye. Aur dekhiye nahi, aur share bhi kijiye. And just enjoy over a weekend or weekday. So, kuch popcorns lijiye aur ye film ko please enjoy kijiye. Aur please send me your comments or, you know, your feedback on the film. We would love to have that. We are really, really excited. It's a beautiful film made by this beautiful girl and acted by 3 We really want you to go enjoy this film called Season with Love. It's made with a lot of love and we hope you love it. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you.